सो गाइज ये बाइक है CBZ एक्सट्रीम, अपने इसको मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। सीधी सी बात है, बाइक जो कंडीशन में आई है बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ है नहीं इसमें। एक ही चीज़ की बहुत अच्छी है कि इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। आप लोग एक बार चालू करके बताता हूँ मैं, एक सेल्फ में अभी भी स्टार्ट हो जाता है इंजन। ये अभी तक अपने जो है स्पोर्ट्स बाइक पे ही काम करते थे, बट नाउ वी आर टेकिंग ऑल द बाइक्स और अपने हर एक बाइक को मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर चुके। तो इससे सबसे पहले अपने जो है पास CBZ एक्सट्रीम आई है, तो इसका एक पूरा बिल्ट लाएंगे, अपने पूरा एक सीरीज लाएंगे एंड आप लोग ये देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एक्चुअली ये बोल सकते हैं एपिसोड पर एपिसोड आएगा इसका। सो गाइज वी आर एट द मार्केट और कुछ इस तरीके से पूरा मार्केट दिखता है। तो अपने को अंदर जाने का है, तो यहाँ पे सेफ नहीं है इतना ब्लॉगिंग करना, फोन से कोई खींच के भाग जाएगा तो अपने पकड़ भी नहीं सकते। सो गाइस लास्ट क्लिप में आपने देखा हम लोग ने कुर्ला जाके इसका सारा स्पेयर पार्ट्स लेके आया जो अपने को इस प्रोजेक्ट में चाहिए रहेगा कैफे रेसर वाले में। तो अभी सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंटल GT की टैंक सेट करेंगे। उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, KTM का सस्पेंशन अटका के रखेंगे क्योंकि इसमें फ्रंट में KTM का सस्पेंशन आने वाला है, तो उससे हम लोग को मालूम पड़ेगा क्या हाइट आने वाली है और उसके हिसाब से हम लोग को एक लेवल पर कॉन्टिनेंटल GT का टैंक को एडजस्ट करने का है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही मुश्किल से टैंक मिला है एंड इसको अपने एडजस्ट करेंगे एंड इस पर लगाएंगे अपने। और ये टैंक को लगाने के लिए यहाँ पे भी होल करना पड़ेगा एंड वहाँ पे भी क्लैम बनाना ही पड़ेगा एंड उसके बाद यहाँ से चेसिस कट होगी एंड यहाँ से बड़ी होगी थोड़ी चेसिस, ऐसा होके यहाँ से एक सी बनेगा प्रॉपर। तो उसके लिए भी मैंने कपलर ला के रखा है, आप लोगों को बता देता हूँ मैं। तो ये यू बैंड है, तो ये दो यू बैंड अपने काम में लेंगे उसको चेसिस को शेप देने के लिए, मतलब कुछ इस तरीके से यू में करने के लिए। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा ये एंड उसके बाद जो है दोनों साइड से पाइप लग जाएगा और पीछे का चेसिस जो है बन जाएगा। तो अभी पहले इसको पहले फिट कर लेते हैं आगे के टैंक को एंड फिर जो है आगे काम करते हैं। तो गाइस लास्ट क्लिप में आपने देखा था कि हम लोग इसमें USD बिठाने की कोशिश कर रहे थे, बट USD नहीं बिठाई क्योंकि चकनट नहीं है। चकनट एक्चुअली में होता कि आप लोग को बताता हूँ मैं। तो KTM का चकनट एक्चुअली में ऐसा रहता है, ये कितना पतला है, KTM का चकनट इतना मोटा रहता है, तो अपने पास नहीं है। उस वजह से अभी अपने उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख रहे हैं। अभी जो हम लोग इस पर कॉन्टिनेंटल GT का टैंक वेल्ड करेंगे, और मतलब ये जो अपना रबर है ये देख रहे हो ऐसा सेम रबर जो है ऊपर लगाएंगे और उसका जो एंगल देख के इस पर कॉन्टिनेंटल GT का टैंक लगाएंगे एंड बाद में क्या करेंगे कि अपने जो चेसिस बनाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंड साथ ही में इसको जो है ना सिंगल मोनोशॉक से करना है, तो उसका भी अपने को जो है प्लानिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे अपने पहले टैंक वेल्ड करते हैं, उसके बाद पीछे का चेसिस बनाना स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग ने पीछे की चेसिस पूरी कम्प्लीटली कट कर दी है एंड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हम लोग को ये चेसिस को एक्सटेंड करना है कुछ इस तरीके से, सी टाइप बनाएंगे एंड फिर उसको नीचे से यहाँ पे सपोर्ट दे देंगे एंड मेरा एक प्लान है कि इसको एक वी टाइप में बनाऊँ ताकि इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिले। तो अभी ये सिंगल जॉइंट हो रहा था, अभी हम लोग को क्या करना है इसमें मोनो सस्पेंशन लगाना है, तो उसके लिए हम लोग को इसको जो है डबल सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहे एंड टैंक को मैंने बिठाया था यहाँ पे, आप चौक की मार्किंग देख सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक होल करने वाला हूँ एंड यहाँ पे एक होल करने वाला हूँ, वहाँ पे सीधी एक रॉड डाल दूंगा एंड उसके बाद ऊपर डायरेक्ट अपने जो है रबर लगा देंगे तो एकदम इजीली जो है फिक्स हो जाएगा, तो वो कर लेते।
अपडेट ये है, हम लोग ने यूएसडी लगाया, खाली अटकाया है ताकि एक प्रॉपर शेप मिले अपने को गाड़ी का। आगे फ्रंट व्हील भी ऐसे अटका दिया, इसका एक सब प्रॉपर वीडियो आएगा अपना। अभी मेन फोकस है चेसिस पे, तो अभी आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। पीछे से अपने टाइमलेस में देखा था, हम लोगों ने पूरा कट कर लिया एंड मैंने दो अपना सी बैंड लिया एंड उसको ज्वाइन कर दिया। देख रहे हो वेल्डिंग से मैंने कम्प्लीटली ज्वाइन कर दिया इसको एंड एकदम फिनिशिंग दे दिया है। अभी खाली सब पुट्टी हल्का भर देंगे और एकदम प्रॉपर हो जाएगा। आप देख सकते हो भाई, एक यू बैंड बनाया जो ऐसा कुछ लगेगा यहाँ पे। एंड जो मैंने यहाँ से काटा था पाइप, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, पहले तो इसको बीच में से कट ले लिया ताकि कि ये अंदर दब जाए, ताकि कि दूसरा पाइप जो है उसके अंदर घुस जाए। तो वही किया मैंने, यहाँ पे घुसा दिया। एंड साथ ही मैं यहाँ पे एक एक्सल लिया है जिसको मैंने पूरा अंदर तक डाल दिया यहाँ तक, एंड इतना हिस्सा छोड़ दिया बाहर ताकि दूसरा पाइप यहाँ पे अगर लगा के अपने वेल्ड भी करो तो मजबूत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो ये चीज़ अपने पूरा कंप्लीट की है। अभी इसके अंदर अपने जो वाली पाइप लगाएंगे, तो मैंने पाइप भी कट करके रख दी है एंड ये पाइप कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाएगी। तो ये अपने लगा के इसको पूरा वेल्डिंग करेंगे। जब तक मैं लगा के इसको पूरा वेल्डिंग करता, तब तक आप जो है ना पूरा टाइम लैप्स देखो एंड इस बाइक का जो है ना बहुत कम वीडियो आएंगे। अपने फटाफट करके इसको जो है निपटा देंगे अराउंड ये 3-4 दिन में, तो मेरे हिसाब से गाड़ी बनी जाएगी। और देख सकते हो आप कितना जल्दी इतना हो गया, एक ही वीडियो में हम लोग ने इसमें मैकविल लगा दिया, यूएसडी लगा दिया, भले इसमें खाली अटका के रखा है बट सारा काम इसमें हो चुका है। ये सब फिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पीछे का भी हम लोग इसमें डिस्क ब्रेक लगाने वाले हैं, ड्रम ब्रेक आता है तो वो भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप जो है ड्रम ब्रेक को डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी मैकविल दूसरी लगा के और ड्रम पीछे का अपना स्विंग आर्म चेंज करके, वो पूरे कंप्लीट वीडियो आ जाएगा। तो आप जो है ना पूरा कंप्लीट टाइम लैप्स देखो, ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो एंजॉय करो पूरे वीडियो को एंड टाइम लैप्स देखो। तो मैंने एक यू बैंड बनाया, दो सी बैंड को जॉइंट करके एक यू बैंड बनाया जो एकदम प्रॉपरली यहाँ पे बैठेगा। अभी चेसिस को और छोटा सा कट डाउन करना है, तो वो स्विंगम आने के बाद करेंगे क्योंकि अब उसके मालूम पड़ेगा स्विंगम कितना आगे पीछे, तो टायर के हिसाब से अपने वहाँ पे जो है चेसिस को पीछे की काट देंगे, तो कुछ इस तरीके से वो लगेगा। बाकी ये पूरा कंप्लीट एक कैफे रेसर टाइप अभी दिखने लगी है। जब हम लोग स्टार्ट किए तो आपको मालूम है कैसी बाइक आई थी एंड नाउ कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सीरीज़ थोड़ा सा फास्ट और लंबा हो सकता है, एक एक वीडियो 10-15 मिनट के हो सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना एकदम प्रॉपर वीडियो आए, एक ही एपिसोड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिखा पाऊँ। बाकी जो स्पेशल वीडियो रहेगा, जैसे यूएसडी कैसे फिट करनी है, पीछे का आपको डिस्क कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें एक अलग वीडियो में आएगी। बाकी ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है कैफे रेसर बिल्ड करने का, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है और एकदम अलग मोटिवेशन हो रहा है रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कर करके। एंड वेल्डिंग सीख गया हूँ मैं, और उसी के साथ जो मेरे को मेन हर्डल होता था ना कि कटिंग का एंगल का, वो भी एकदम प्रॉपरली सीख गया हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये एंगल आप देख रहे हो, मैंने इसको एक कुछ इस तरीके से काटा है ताकि कि ये आराम से इस पर बैठ जाए और अच्छा खासा सपोर्ट दिखे। एंड ये वेल्डिंग भी अभी फोड़नी बाकी है, धीरे धीरे इसको ठोकते तो क्लियर होता है वेल्डिंग, तो वो जिस तरीके से दिख रही है। एंड यहाँ से अभी एक और रॉड जाएगा यहाँ पे, एक वी टाइप बनेगा एंड फिर यहाँ पे एक पतरा आएगा। पतरा क्यों डाल रहे हैं आप लोगों को बताता हूँ, ताकि कि जो मिट्टी है वो अंदर भी ना जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे अपने जो बैटरी रखना है वो यहाँ पे रख सकते हैं। फ़िल्टर का मैंने सोचा है इसमें अपने जो है मॉक्सी के फ़िल्टर लगाएंगे जो अच्छा काम करेगी।
अभी मेन हर्डल के आने वाले अपने को, क्योंकि ये थंडरबर्ड का पीछे का मैकविल है एंड ये जो आगे का चेंज पॉकेट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है थंडरबर्ड का, इतना बड़ा चेंज पॉकेट आता है, चेन भी मोटी रहती है तो वो ज़्यादा दिक्कत आने वाला है, क्योंकि चेन मोटी रहेगी तो फिर यहाँ पे भी ना आगे का चेंज पॉकेट है वो मोटा रहना चाहिए, तो उस तरीके से अपने को उसको कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का इतना मोटा रहेगा और आगे का इतना पतला तो आपको मालूम है चेन उसमें बैठेगा नहीं और स्लिप करने लगेगा, तो वो भी एक मेन हर्डल है। बाकी तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि चेसिस का काम बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और टैंक भी एकदम प्रॉपरली अलाइन है, तो थोड़े बहुत चीज़ें अपने को ढूंढनी है। एक चीज़ सबसे पहले मेरे को, अगर आप में से कोई भी मेरे को इसका मतलब कॉन्टिनेंटल जीटी का जो टैंक के ऊपर का आता है चाबी जिसमें लगता है वो प्रोवाइड कर सकता है विद की, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं जो भी अगर एड्रेस दे दूँ वहाँ पे आप कुरियर कर देना ये। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप आप लोग को जो है फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा कैफे रेसर बिल्ड का, तो करते हैं इस वीडियो को देरी एंड, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए पता ना क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, पीस आउट।